أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم My name is Nazir Shaleen I am teacher of Metropolitan Foundation School Welcome to Maths Online class Today we are doing our book work Countdown Premier B Countdown Premier B में हम अपना पेज नंबर 95 ओपन करेंगे और 95 पर हमारा जो टॉपिक है इट्स मनी मनी मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी पैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी पैसे वी यूज मनी टू बाय एंड सेल थिंग्स हम पैसे खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं वी यूज मनी टू बाय एंड सेल थिंग्स हम चीज़ों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए पैसे को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स पाकिस्तानी करेंसी मतलब पाकिस्तान में जो पैसा चलता है उसे कॉइन्स और नोट में चलता है जैसे अदर कंट्रीज़ हैं उनमें दरहम में चलता है कहीं पर रियाल में चलता है और डिफरेंट टाइप की वहाँ की करेंसीज होती हैं बट इन पाकिस्तान कॉइन्स एंड नोट्स करेंसी यूज़ होती है कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल एंड नोट्स आर मेड ऑफ पेपर कॉइन्स जो हैं वो मेटल के होते हैं मेटल मीन्स होता है मेटल मीन्स मेटल और ये हमारे पास मुख्तलिफ धातुओं के जो है कॉइन्स होते हैं ये अलग मेटल कहलाता है ये एक अलग मेटल कहलाता है मतलब अगर हम इसे धात कहें धात कहलाता है और ये तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं 5 रुपीज़ का जो कॉइन है हमारे पास यहाँ पर 3 कॉइन्स हैं सबसे पहले मैं आपको ऊपर बता दूँ कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल कॉइन्स जो हैं वो धातु से बने हुए होते हैं एंड नोट्स आर मेड ऑफ पेपर और जो नोट्स होती हैं वो पेपर से बनी हुई होती हैं हमारे पास यहाँ पर 3 कॉइन्स दिए गए हैं 5 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन कैसे डिफाइन करेंगे हम हमारे कॉइन के ऊपर यहाँ पर नंबरिंग आपको नज़र आएगी जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितने रुपी का कॉइन है 5 लिखा हुआ है इट्स मीन इट्स ये 5 रुपी का कॉइन है यहाँ 2 लिखा हुआ है इट्स मीन ये 2 रुपीज़ का कॉइन है एंड 1 रुपी है इट्स मीन ये 1 रुपी का कॉइन है क्या है और इस तरह से हम अपने कॉइन्स को डिफाइन कर सकते हैं उनके ऊपर दिए गए नंबर से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉइन्स इन फ्यू डेज हमने एक वीडियो सेंड की थी आपको अबाउट मनी करेंसी और वो अगर आपने वीडियो देखी होगी दैट वीडियो वॉज एक्टिविटी वीडियो और वो जो हमारी वीडियो थी वो करेंसी पर थी अगर आपने वो एक्टिविटी वाली वीडियो अगर आपने सीन की है इट्स मीन इट्स वेरी इजी फॉर यू कॉइन्स मीन्स सिक्के एंड नोट मीन्स नोट कॉइन्स मेड ऑफ मेटल एंड नोट्स मेड ऑफ पेपर ओके हमारे पास यहाँ पर कॉइन्स हमने शो कर दिए नाउ आई एम शोइंग सम नोट्स 10 रुपीज़ नोट 20 रुपीज़ नोट 50 रुपीज़ नोट 100 रुपीज़ नोट 500 रुपीज़ नोट 1000 रुपीज़ नोट एंड 5000 रुपीज़ नोट ओके यहाँ पर जो हमारे पास नोट्स दी गई हैं वो हमारी जो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी नोट्स होती हैं वो यहाँ पर सारी आपको नंबर और कायदे आज़म की पिक्चर के साथ नज़र आ रही हैं हमारी नोट पर जो नज़र आ रहे हैं कायदे आज़म की जो साइड में नंबरिंग दी गई है उसी से हमें जो है हमारे
नोट के नंबर का अंदाज़ा होगा कि ये नोट कितने रुपीस का है। ये नंबर आपको रुपीस शो करेगा। जैसे यहाँ पर हम 10 रुपीस की तरफ आएंगे तो 10 रुपीस, ये मतलब 10 रुपये का नोट है। फिर यहाँ पर आएंगे 20 रुपीस, ये 20 रुपीस का नोट है। देन वी कम फ्रॉम 50 रुपीज़, 50, इट्स मीन इट्स 50 रुपीज़ नोट। 100 रुपीज़, 100, इट्स मीन इट्स 100 रुपीज़ नोट। देन वी कम फ्रॉम नेक्स्ट 500, इट्स मीन इट्स 500 रुपीज़ नोट। 1000 रुपीज़, 1000, 000, 1000 रुपीज़ नोट, ये 1000 रुपीज़ का नोट है, यहाँ भी आपको मेंशन हुआ हुआ है। 5000 रुपीज़ नोट, 5 और 5 के आगे 3 0 होंगे, इट्स मीन 5000 रुपीज़ नोट्स, और ये आपको 5000 रुपीज़ शो कर रहा है। डिफरेंट नोट्स के डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पर हमारा 10 रुपीज़ का जो नोट है वो लाइट ग्रीन कलर में है। फिर यहाँ पर जो है हमारे पास वो डार्क पिंकिश टाइप पर है, जो हमारी 20 रुपीज़ की जो नोट है। फिर हमारी जो 50 रुपीज़ की नोट है वो पर्पल, वाइट, ब्लू मिक्स है। फिर हमारी जो 100 रुपीज़ नोट है वो थोड़ा सा रेड पिंकिश शेड में और थोड़ा सा ब्राउन शेड के बाद वाइट शेड में है। फिर हमारी जो 500 रुपीज़ नोट है वो ग्रीन में है और काई ग्रीन में है एंड वाइट में है। देन 1000 रुपीज़ नोट, 1000 रुपीज़ इज़ डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन का शेड भी आ रहा है एंड इट्स वाइट। ओके, देन 5000 रुपीज़ नोट, 5000 रुपीज़ नोट में हमारे जो कलर्स हैं वो हैं पिंकिश और थोड़ा सा यहाँ पर हमें ब्राउन शेड है, पिंक है और इसके अलावा वाइट है, वाइट वाइट सा है और लाइट पिंक सा है। और ये हमारी नोट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको आपके घर में जो आपकी मामा के पास या आपके बाबा के पास जो नोट्स होंगी, आपने उनसे वो नोट लेकर आपको उसके कलर्स देखने हैं और आपको यहाँ पर नंबरिंग्स देखनी है कि वो, और आप यू डोंट आस्क देम कि ये कितने रुपीज़ का नोट है। एंड अब आपको ख़ुद रिकॉग्नाइज करना है कि वो कितने रुपीज़ का नोट है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इट्स नोट, इट्स इनवर्ड नंबर एंड इट्स उर्दू। यहाँ पर उर्दू में भी हमारे पास नोट के जो रुपीज़ शो हो रहे हैं वो उर्दू में भी दिए गए हैं। जो मिस सादी आपको उर्दू में गिनती पढ़ाती हैं वो यहाँ पर उर्दू में भी दी गई हैं। हर नोट के एक कॉर्नर पर इन उर्दू एंड यहाँ पर इन वर्ड में दी गई है। अब जैसे यहाँ पर 10 रुपीज़ में है, ऊपर इट्स 20 रुपीज़, देन 50 रुपीज़, देन 100 रुपीज़, देन 500 रुपीज़, देन 1000 रुपीज़ एंड देन 5000 रुपीज़। और इस तरह से हमने इस पेज को कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कम फ्रॉम नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज नंबर इज 96 एंड द नेक्स्ट पेज नंबर इज 96 एंड द क्वेश्चन इज लुक एट द प्राइस ऑफ ईच आइटम एंड चेक वेदर यू हैव enough money to buy it, write yes or no। आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं और उसके ऊपर टैग प्राइस दिए गए हैं, टैग प्राइस दिए गए हैं आपके पास। अब टैग प्राइस में आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस एप्पल के ऊपर जो टैग प्राइस दी गई है वो मनी आपके पास है या नहीं है। इफ़ यू हैव और नॉट, इफ यू हैव और नॉट, अगर आपके पास मनी है देन यू हैव टू राइट हेयर येस एंड देन यू हैव टू राइट हेयर नो। ओके, फर्स्ट इट्स एप्पल एंड इट्स स्ट्राइक
टैग प्राइस टैग इज 5 रुपीज. दोनों कॉइन्स में से 5 रुपीज कौन सा है? इट्स 5. इट्स मीन वी हैव अ 5 रुपीज कॉइन. दैट्स वाई वी राइट हेयर येस. ओके, नाउ वी कम फ्रॉम नेक्स्ट. वी हैव अ ब्यूटिफुल बलून एंड इट्स प्राइस टैग इज 4 रुपीज. नाउ आप मुझे ये बताइए कि यू हैव टू 4 रुपीज और नॉट. आपके पास 4 रुपीज है. इट्स 2 रुपीज कॉइन एंड इट्स 1 रुपीज कॉइन्स. इट्स मीन 4 रुपीज नहीं है हमारे पास, और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 4 रुपीज नहीं हो रहा है. इट्स मीन वी राइट हेयर नो. ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट इज वी हैव अ कैट एंड इट्स प्राइस टैग इज 50 रुपीज. 50 रुपीज. ओके, वी हैव 50 रुपीज और नॉट. वी हैव 10 रुपीज नोट, वी हैव 20 रुपीज नोट एंड वी हैव 50 रुपीज नोट. ओके, इट्स मीन वी हैव 50 रुपीज नोट. सो वी राइट हेयर येस. ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट. नेक्स्ट इज अ क्लॉक एंड इट्स प्राइस टैग इज 200 रुपीज. 200 रुपीज. हमारे पास यहां पर कितने रुपीज हैं? 50 रुपीज एंड 100 रुपीज. 50 रुपीज एंड 100. इट्स मीन हमारे पास 200 नहीं है. अगर हम इनको ऐड करते हैं फिर भी हमारे पास 200 रुपीज नहीं हो रहे हैं, और 200 रुपीज का नोट नहीं होता, इसलिए हमें यहां पर लिखना होगा नो वी हैव वी डोंट हैव 200 रुपीज. सो दैट्स वाई वी राइट हेयर नो. और हमने यहां पर नो लिख दिया है. और इस तरह से हमने अपना ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया. नाउ वी कम नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज नंबर इज 97. एंड द क्वेश्चन इज एड एंड देन कलर द पिक्चर. हमारे पास यहाँ पर पिक्चर दी गई है और हमें यहाँ पर सम्स दिए गए हैं प्लस के. ठीक है, हमें वो नंबर काउंट करके यहाँ पर लिखना है, और जो नंबर का आंसर यहाँ पर आएगा हमें ऊपर जाकर वो नंबर पर जो कलर होगा वो कलर हमें उस पिक्चर के एरो के अकॉर्डिंग करना है. ठीक है, यहाँ पर आंसर आने के बाद जो आंसर आएगा हम ऊपर जाकर देखेंगे कि उस आंसर के बराबर में कौन सा नंबर है मेंशन हुआ हुआ है. देन वी डू दिस कलर इन दिस पिक्चर. ओके, फर्स्ट इज 10 + 8. वी राइट द लाइन्स ऑफ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देन वी ड्रॉ द लाइन्स ऑफ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. We write here 18. अब यहाँ पर 18 पर कौन सा नंबर है? Green. So we 18 पर कौन सा कलर है? Green. So we doing this color green in this tree. एंड यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट ट्री. जिसमें नेक्स्ट ट्री भी नजर आ रहा है उसमें आपने ग्रीन कलर खुद से करना है. ओके, नाउ वी कम नेक्स्ट. 10. सो वी राइट राइट ऑन द लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 6 लाइन्स बिकॉज द नंबर इज 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. इट्स मीन 16. ओके, 16 पर कौन सा कलर यहाँ शो हो रहा है? ग्रे. ओके, ग्रे. अब आई डोंट हैव अ ग्रे कलर, दैट्स वाई आई एम डूइंग इन पेंसिल. अगर आपके पास ग्रे कलर है देन यू हैव टू डू ऑन द ग्रे कलर, बट अगर आपके पास नहीं है देन यू हैव टू डू इन pencil. And it's done. Now we come from next
10 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. It's 17. And which is the color of the 17 number? Yellow. So we write here. So we're doing yellow color in this picture. Okay. Now we come from next 8 plus 10 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 8 lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count karenge hum 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. And which color of 18 number? Green. So we put the green color. Aur jahan par ye 18 wala arrow ja raha hai, yahan par humne color karna hai green. And we done. Okay, now we come from next 10 plus 2. We line the number on the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Or 2 ke upar 2 lines hongi 1, 2. Count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So write here 12. 12 पर कौन सा कलर आ रहा है हमारे पास ऑरेंज सो वी पुट ऑरेंज कलर एंड डू एरो जा रहा है टाइगर पर सो हमने यहां पर टाइगर में कंप्लीट कर लिया कलर अपना ओके नाउ वी कम नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट इज 10 प्लस 9 लाइन ड्रॉ करेंगे हम 10 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. So we write here 19. Or 19 per kaun sa color aa raha hai? It's pink. So we put the pink color. Or yahan par arrows ja rahe hain flowers per. So humne yahan par. We complete it. Now we come next. 10 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 5. 1, 2, 3, 4, 5. Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. We write here 15. And which color on the 15 number? Blue. Bluish purple. पर्पल डार्क पर्पल है तो हम यहाँ पर आएंगे और हमारा ये वाला एरो यहाँ पर एरो मेंशन नहीं है और इसके ऊपर एक फूल बना हुआ है सो वी डूइंग ब्लू कलर ऑन दिस फ्लावर आई थिंक इट्स लोटस फ्लावर एंड इट्स कलर इज पर्पल सो वी डूइंग पर्पल कलर Now we come next 10 plus 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and we make 4 lines 1 2 3 and 4 then count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 and 14 which is the color of the 14 number brown so in the teddy bear we are doing brown color Now I am doing complete this color and we come from next 10 plus 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plus 3 1 2 3 1 2 count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 13 13 par kaun sa color show ho raha hai Red. Okay. I don't have a red color. That's why I am doing pinkish color. Okay. But you have to do red color. Okay. I'm doing and it's almost complete. Now I come from next
10 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1, then count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, 11, and which color of the 11? Purple. So we're doing the purple color. In this page, and we complete this page and we complete the previous page. You have to write down the date on three pages, and वीडियो कंप्लीट हो गई है. पिक्चर सेंड करनी है आपको. मैं आपकी पिक्चर का वेट करूँगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.